Hey guys, welcome back to another video. आप जो भी मुझसे questions पूछते हो, be it head से related, sensitivity से related, या general game mechanics के ऊपर, it all comes down to one single topic, which is aim better कैसे करें, how to improve your aim. And aim improve करने के लिए कोई एक magic spell है नहीं. इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है एंड उससे ही आपका एम इम्प्रूव का होता है. एम इम्प्रूव करने के लिए आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा. आप एग्रेसिव कैसे खेलोगे, मैंने उस पर वीडियो बनाई है. आपको ग्राइंड करना पड़ेगा एंड एक प्रॉपर ग्राइंड कैसे होता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है. आपका गेम सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. अब ये गेम सेंस कैसे अच्छा करें उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है. तो इफ़ यू गो थ्रू माई वीडियो लाइब्रेरी, यू विल फाइंड कि हर एक वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है जिससे आपका ओवरऑल गेम प्ले अच्छा होगा एंड आपका एम इम्प्रूव होगा. सिमिलरली आज के वीडियो पे में भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस एयर प्लेसमेंट. एंड मेरे हिसाब से एक फास्ट पेस्ड गेम लाइक कॉड मोबाइल, इसमें आपका क्रॉसर प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा. अगर आपका क्रॉसर प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो माय फ्रेंड आप इस गेम के आप बोलते हो आईपैड एडवांटेज, आप बोलते हो कंट्रोलर प्लेयर्स, आप उन सभी को हरा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप MYM को ले लो, उनके सामने आईपैड प्लेयर है, उनके सामने कंट्रोलर प्लेयर, बट स्टिल दे वन द WC चैम्पियंस एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम Mayhem फॉर दैट. And while we wait for 1,000 subscribers on YouTube, we will be having some small milestones giveaway on my Instagram page. So please do follow me there as well. अब हम बात करते हैं क्रॉसहेयर किस स्टडिया का नाम है. Without ADSing, जब आप ADS या स्कोपिंग नहीं किए हो तब ये 5 डॉट्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम होता है क्रॉसहेयर. ये डिटरमाइन करता है कि आपका स्कोप कहाँ खुल रहा है. आपका जहाँ क्रॉस एयर है वहीं आपका एम है. एंड अ फास्ट पेस गेम लाइक कॉड मोबाइल, आपका एम बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा कि अगर आपको एक गन फाइट जीतनी है, स्पेशली एक लूपिंग या एक आईपैड प्लेयर के अगेंस्ट. अब हम बात करते हैं कि हम जनरल गलतियाँ कहाँ करते हैं अपनी क्रॉस एयर प्लेसमेंट में. सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं जब हम स्कोपिंग या किसी एक डायरेक्शन में नहीं देख रहे होते हैं, तब हम जब जनरली मूव करते रहते हैं फ्री लुक में, तब हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपना एम, अपना क्रॉसहेयर नीचे रखते हैं. कोई प्लेयर को मैंने देखा है, जब मैं उनको स्पेक्टेट करता हूँ, वो अपना क्रॉसहेयर बिल्कुल ज़मीन पे रख के चलते हैं वाइल दे आर मूविंग. एंड सम प्लेयर्स आर लाइक, वो ऊपर तो देखते हैं लेकिन उनका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट हमेशा एंड हमेशा उसके अपोनेंट के लेग्स के अराउंड रहता है. एंड दैट इज़ वाई यू लूज मोस्ट ऑफ योर गन फाइट्स. आप जब भी मूव कर रहे हो, फ्री लुक कर रहे हो, फ्री देख रहे हो, ऐसे ही जनरली मूव कर रहे हो अराउंड द मैप, आप हमेशा अपना हेड हाई रखें. अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अराउंड द चेस्ट एरिया और द हेड एरिया, हेड भी छोड़ दीजिए, अपने चेस्ट एरिया पे रखें अपने अपोनेंट का, कि जब भी आप मूव करोगे क्रॉसहेयर प्लेसमेंट आपका आपके अपोनेंट का चेस्ट एरिया पे रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं. स्पेशली अगर आप एक हिप फायर प्लेयर हो तो, अगर आपका ऑलरेडी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट आपके अपोनेंट के चेस्ट में है एंड आप एक हिप फायर प्लेयर हो, तब आप जब आप ADS भी नहीं किए हो, बस अपना शूटिंग बटन प्रेस किया है, तब आपके जो प्री शॉट्स लगते हैं हिप फायर प्लेयर्स के 2-3 शॉट, तो उसको ऐसे ही चेस्ट मिल गए एंड चेस्ट में आपको पता है कितना डैमेज रहता है. अगर आप उसको एक शॉट भी मारते हो विदाउट अपना ADS खोले, तो आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उस फाइट में. ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक ADS प्लेयर हो, तब भी अगर आप चेस्ट पे उसके ही सारे एम रख रहे हो, अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट आप अपने अपोनेंट के चेस्ट पे रख रहे हो, तब आपको देखिए चेस्ट में कितना ज़्यादा डैमेज मिलता है. दैट एक गन की ट्रू पोटेंशियल इसी से दिखती है कि आप अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कहाँ रख रहे हो, आपका एम कहाँ है. अगर आप अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट नीचे रखोगे, ग्राउंड पे रखोगे, फिर उसे ड्रैग करते करते वो चेस्ट पे लेके आओगे, तब तक तो आपका अपोनेंट मार के चला जाएगा अगर वो एक आईपैड या लोअर मिस प्लेयर है, या तो अगर आपके अपोनेंट का क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अच्छा है तो.
सिमिलरली आपको हमेशा अपना क्रॉसर प्लेसमेंट चेस्ट के अराउंड रखना है, एंड चेस्ट में आपको पता ही है कितना डैमेज मिलता है, एक गन की ट्रू पोटेंशियल वहीं पे दिखेगी। आप यू नो आप बोलते हो कि नहीं भाई ये गन तो थ्री बस नहीं है, वो बंदा कैसे वन टैप करके जा रहा है, वो ऐसे वन टैप करके जा रहा है कि उसका एम, उसका क्रॉसर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, वो आपको सिर्फ अपर बॉडी शॉट्स दे रहा है, वेयर एज यू आर नॉट गिविंग हिम अपर बॉडी शॉट्स। आप लेग से चालू करके जब तक चेस्ट पे जाते हो यू आर डेड। अब मैं आपको बताता हूँ अपना क्रॉसर प्लेसमेंट सही कैसे करना है। एक तो वही पुरानी टेक्निक पबजी वाली, जिसमें आप अपना इमोट बटन उठाया, अपने क्रॉसर के जगह रख दिया, उसका थोड़ा ओपेसिटी ज़्यादा या कम कर लिया अपने हिसाब से, उसको थोड़ा छोटा कर लिया, उससे आपको डिटरमाइन हो जाएगा आपको क्रॉसर कहाँ है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। सिंपली आप एक चीज़ करो, अपना गेम सेंस बढ़ाओ, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा एनिमी कहाँ से पीक करेगा। आप वहीं पर ही आप उसके तरफ भी बढ़ रहे हो, तो अपना क्रॉसर प्लीज़ आप वहीं पर रखो। सेकेंडली कॉल आउट्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो। आपके यू नो टीममेट्स कॉल आउट आपको प्रिसाइज कॉल आउट्स देते हैं। एक बंदा कार्डबोर्ड के टॉप पे है, तब आप जब कार्डबोर्ड अप्रोच कर रहे हो तब अपना क्रॉसर आप कार्डबोर्ड टॉप पे ही रख के जाओ। तो उससे क्या होगा, अगर आपका यू नो अपोनेंट ऊपर आता भी है तो आपका क्रॉसर ऑलरेडी वहाँ पे है, इट्स ए ईजी किल फॉर यू। आपको सिर्फ तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, क्रॉसर प्लेसमेंट, चेस्ट रीजन के अराउंड, हमेशा गेम सेंस एंड अपने अपोनेंट्स को प्रिडिक्ट करो, हमेशा कॉल आउट्स को फॉलो करो, एंड आपका एम इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली बहुत ही ईजी हो जाएगा बिना कोई भी ट्रिक यूज़ किए। And if you have any further questions, Discord तो है ही, please वहाँ पे एक channel है Ask Phoenix नाम का, उसे please अच्छे तरीके से use करें and repetitive questions ना पूछें। आप उस channel को please scroll up करते रहो, आपको अपने questions का answer मिलता ही रहेगा। अगर आपको चाहिए मैं एक fact channel बना दूँगा जिसमें general questions का video relation अपना डाल दूँगा, आप उसे भी refer कर सकते हैं, एक दो दिन में मैं ये काम कर दूँगा। So this was the video guys, I hope you liked the video. If you want to see any other special or you know different content on my channel, please do let me know on my Discord or on my Instagram page. This was Renik signing off. I'll see you around.